ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़े थे कल? क्यों, क्या क्या पढ़े थे कल? देखिए, जब आप क्लास में आते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कुछ पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो उसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य एग्जाम पास करना नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको क्या नया सीखने को मिलता है, अन्यथा ऐसे टाइम पास तो होता ही रहता है। क्यों? तो आप जब भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको क्या नया सीखने को मिलता है। एग्जाम पास करना आपका उद्देश्य नहीं बनना चाहिए। प्राथमिक उद्देश्य आपका एग्जाम पास करना नहीं बनना चाहिए, बल्कि क्या नया सीखते हैं ये बनना चाहिए। क्योंकि एग्जाम पास तो आप होंगे ही, डिग्री मिल ही जाएगा जी, ठीक है, लेकिन सीखना हर समय संभव नहीं होता जी। सीखने का एक योग्य समय और योग्य स्थान होता है, और आपके अंदर भी योग्य विचारधाराएं का उपस्थित होना जरूरी है। कितनों अच्छा ट्रेनर हो, आपका इच्छा ही नहीं है पढ़ने का, वो कितनों भाषण दे, आप नहीं पढ़ेंगे। चाहे कितना भी आपके अंदर इच्छा है कि मैं पढ़ूंगा, टॉप कर दूं, वैज्ञानिक बन जाऊं, लेकिन उपयुक्त समय नहीं है, समय आपके सीखने के अनुकूल नहीं है, तो बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगे, ठीक है। बाकी आप तो एकलव्य का कहानी सुना ही होगा आपने महाभारत में, क्यों, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए जी, आज का शुरू करते हैं। आज का क्या कहानी है हमारा, विजुअल बेसिक में ओपन कर लेता हूँ। आपने डेटा डिस्प्ले कैसे करना है आपने देख लिया, डेटा डिलीट कैसे करना है आपने ये सीख लिया, तो हम आज देख लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करना है, राइट, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। और आज से हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्या होगा, हम एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे पूरा, ठीक है, और फिर उस स्टूडेंट को हम अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सेव करेंगे, उसका फीस वगैरह हम मेंटेन करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह का हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं आज से, ठीक है। तो डेटा डिस्प्ले कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है ये तो आप जान गए, मतलब स्टूडेंट डिलीट कैसे होगा और डिस्प्ले कैसे होगा ये तो आप कर ही सकते हैं, स्टूडेंट को इंसर्ट कैसे किया जाए या सेव कैसे किया जाए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज से शुरू कर लेते हैं जी हम। तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्रोजेक्टर की ओर देखिए और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए, ठीक, बस अर्जुन की तरह आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे होना चाहिए, ठीक है। जब धनुर्विद्या का परीक्षा लेने के लिए गए गुरु जी, तो सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, लोगों ने कहा हमें इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, शाखाएं फूल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल तो खैर थे नहीं, ठीक है, शाखा दिख रहा है, पत्ते दिखाई दे रहा है। पर अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है, मैं उसे ही फोड़ना है मुझे, ठीक है। तो गुरुजी ने पूछा तुम उसे भेज सकते हो, बोला हाँ, बस फिर क्या था, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने, अपना निशाना साध करके दिखाया। तो ठीक उसी तरह से आपका ध्यान सिर्फ लक्ष्य की ओर होना ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केवल लक्ष्य और कुछ नहीं, ठीक। तो तैयार हैं आप लोग, आप लोग तैयार हैं, चलिए जी शुरू करते हैं। फिर प्रोजेक्ट का मैं नाम लिखता हूं, स्टूडेंट मैनेज, क्या होता है यार स्पेलिंग में भूल गया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कर देता हूं मैं ओके, ठीक, इसको मैं कर देता हूं बड़ा, ठीक है जी।
रन करूंगा तो क्या होगा, ऐसा आएगा ये, राइट। चलिए जी, तो फॉर्म में यहां लिखा है फॉर्म वन, मैं इसका नाम बदल देता हूं और क्या कर देता हूं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या कुछ भी, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्पेलिंग सही लिखा हूं मैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन लिख दूं क्या, AWP होता है। चलिए जी, आप लोग आगे, क्या मजाक है, मैं भी कुछ और लिख दे रहा। चलिए जी, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इसको जैसे ही मैंने क्या करा रन, जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे आ गया जी। हम आइकन भी इसका बदल सकते हैं, तो आइकन मैं बदल दूँ ना बदलूँ आइकन, मेरा तो मन कर रहा है कि बदल दूँ आइकन, बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। चलिए जी, मैं कुछ खोजता हूँ आइकन, तब तक इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए चुप करा देता हूँ, पाउस। चलिए जी, तो मैं आइकन खोज लिया, ये देखिए यहाँ पे है, मैंने नेट से डाउनलोड किया है इसको, आप भी कर सकते हैं जी, बड़ा आसान काम है, ठीक है, तो कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा आपसे। मुझे इतना कुछ आइकन मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, इन सब आइकनों का मुझे हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना। चलिए जी, तो चलते हैं आगे, और यहाँ पे आइकन मैं किसका डालना चाह रहा हूँ, कि इधर कहीं आया है आइकन, ये है जी आइकन, इस पे मैं आया और डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा आइकन फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये वाला आइकन को कर लूँगा ऊपर, ठीक, यहाँ पे आइकन बदल गया जी, ठीक है, तो बदल दिया मैंने आइकन, अब थोड़ा क्या हो गया, ब्यूटीफुल दिखने लगा, ठीक है, कैसा दिखने लगा, हाँ थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखने लगा। चलो जी, इसका इतना ब्यूटीफुल माने इतना खूबसूरत दिखना काफी है। चलिए जी, आगे क्या किया जाए, इसका कलर भी मैं बदलना चाह रहा हूँ यार, ठीक है, कलर कहाँ से बदलेगा जी, फॉर्म का बॉर्डर स्टाइल रिसाइजेबल है, इसको नहीं, मेरे को क्या चाहिए कलर, और कलर, कलर किधर गया, ट्रांसपेरेंसी किधर होता है यार कलर, मेरे को तो भूल गया, लगता है आइंस्टाइन का कुछ असर पड़ा है मेरे ऊपर, भूलने वाला, ये इमेज बैकग्राउंड इमेज है बैक कलर, इस पर मनने आता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ, एक कलर मुझे बढ़िया दिख रहा है अभी, ठीक है, यही कलर मैं करता हूँ इसको, ठीक ना जी। चलिए जी, हो गया, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और क्या करता हूँ, कंट्रोल में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक तो होगा टूल स्ट्रिप्ट, कहीं दिख रहा है क्या, टूल स्ट्रिप्ट, टी फॉर टूल स्ट्रिप्ट, ये है जी टूल स्ट्रिप्ट, ठीक, ले लाया मैंने यहाँ से टूल स्ट्रिप्ट और इसको क्या किया, एक बटन ले लाया, ठीक है, और इस बटन पे क्या मैंने नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूंगा मैं, डिस्प्ले इन टेक्स्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट भी यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बदलना चाह रहा हूँ, और क्या इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम रखना चाहता हूँ, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, ठीक है जी, ऐड स्टूडेंट इसका मैं नाम रखना चाह रहा हूँ। कुछ आइकन मेरे पास है क्या ऐड वाइड करने का, कुछ इंपोर्ट करता हूँ कुछ आइकन मिले तो, ऐड यही तो है, एक तो आइकन दिख रहा है, लेकिन ये आइकन मुझे पसंद नहीं है, मैं कुछ दूसरा आइकन खोजता हूँ, तब तक इसको रोक के रखता हूँ,
ये आइकन डाल दिया यहाँ पे जी, पता नहीं ये एक्सटेंशन लेता है या नहीं लेता है, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, लेना चाहिए वैसे। ऑल इमेज करता हूँ, यही है आइकन जी, ओपन कर लिया, कर दिया, ओके आ गया जी। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, तो अलाइनमेंट लेफ्ट राइट डिस्प्ले स्टाइल में अगर डन कर दूंगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं जी। ठीक है, और फिर जो है डिस्प्ले स्टाइल में टेक्स्ट कर दूंगा तो सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर डिस्प्ले स्टाइल में इमेज कर दूंगा तो खाली फोटो दिखेगा। अगर डिस्प्ले स्टाइल में क्या कर दूंगा, इमेज एंड टेक्स्ट कर दूंगा तो दोनों दिखेगा। मेरे को दोनों पसंद है जी। ठीक है, चलिए जी, कन्वर्ट टेक्स्ट लेबल मेरे को ये नहीं करना है। इंसर्ट और क्या करना है जी, और तो अभी कुछ नहीं है। इंसर्ट करना, एक सेपरेटर चाहिए जी, इधर सेपरेटर लगा दिया, इसको खींच के ले लाता हूँ मैं इधर, आ गया इधर सेपरेटर। ठीक, अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक नया डायलॉग बॉक्स खुले। ठीक, एक नया डायलॉग बॉक्स खुले मैं ये चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा जी, एक और डायलॉग बॉक्स ले लूँगा, एक और नया डायलॉग बॉक्स। इस तरह का फॉर्म कैसे लूँगा, आज आप सीख लो मल्टीपल फॉर्म लेना। ठीक है, तो मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर्स वगैरह मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं छोटा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसीलिए बिना किसी फोल्डर वगैरह नेम स्पेस वगैरह के ऐसे ही ले रहा हूँ। ऐड न्यू आइटम करता हूँ, यहाँ पे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन लिया, और इसका नाम आप मत बदलो, चाहो तो मैं बदल देता हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट कर दिया। ठीक, कर दिया ऐड। ये देखिए, ये फॉर्म हमारा आ गया बन के रेडी, बन गया ना। इसका भी मैं चाह रहा हूँ कि इसको बॉर्डर में बदल दूँ। ठीक है, बॉर्डर बोल रहा हूँ यार, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं बदल दूंगा, मेरा इच्छा करेगा तो, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं बदलूंगा। इसका क्या नाम है जी इस फॉर्म का, इस फॉर्म का नाम है ऐड स्टूडेंट, ऐड न्यू स्टूडेंट, राइट, इस फॉर्म का नाम है। ठीक है जी, इस फॉर्म का क्या नाम है, फॉर्म वन। ठीक, समझ में आया आपको। मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं जैसे ही डबल क्लिक करके अब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। ठीक, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर दूँ ना, ए वाला नहीं है यार, ए वाला है, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर दूँ ना तो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये खुल जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। राइट, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा जी, इसी ऐड स्टूडेंट पे डबल क्लिक मारा और यहाँ पे आया और क्या लिख दूंगा, ऐड न्यू स्टूडेंट। ठीक, ये है ऐड न्यू स्टूडेंट फॉर्म। अब यहाँ पे कर दूंगा डॉट सो, तो यहाँ पे दो ठो मेथड है, एक है सो, एक ठो है सो डायलॉग। दोनों में क्या अंतर है आप देख लो, रन मैंने करा, ठीक है, ऐड स्टूडेंट पे मैंने क्लिक करा, डायलॉग खुल गया ना डायलॉग बॉक्स। अब मैं चाहूँ तो इसको, ये देखिए, ये दोनों डायलॉग बॉक्स को मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, देख लिया जी आपने, ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर दिया तो दोनों हट गया। ठीक है जी, इस तरह से। दूसरा क्या है जी, सो डायलॉग, सो डायलॉग को कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो अब ये देखिए, ये आ गया ना। अब मैं पीछे वाले को नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, पीछे वाले से क्या मतलब है, ये वाला को, ये देखिए, ये बोल रहा है कि जी यहाँ पे है ये डायलॉग बॉक्स, इसको जो है आपको बंद करना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक, तो ये है, इन दोनों में क्या अंतर था जी, एक डायलॉग बॉक्स होता है मॉडल डायलॉग बॉक्स, एक होता है मॉडलेस डायलॉग बॉक्स। ठीक, मॉडल डायलॉग बॉक्स का क्या मतलब है कि जो डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करा वो बंद जब तक नहीं होगा तब तक आप दूसरा कहीं क्लिक नहीं कर सकते जी, ये है मॉडल डायलॉग बॉक्स। और मॉडलेस डायलॉग बॉक्स का क्या मतलब है जी, मॉडलेस डायलॉग बॉक्स का मतलब है कि उस मॉडल को खुलने के बाद भी आप कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे विन वर्ड, मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करा फॉन्ट पे, ठीक है, और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद मैं चाहूँ
ये देखिए, नहीं जा रहा हूँ ना कहीं पे, तो ये क्या है जी, मॉडल डायलॉग बॉक्स है। ये देखिए, नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं, यहाँ प्रिंटिंग के लिए ओपन करूँगा। ये देखिए, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा मैं, तो क्या होगा कि मैं कुछ अब नहीं कर सकता इसको जब तक मैं नहीं हटाऊँगा, तो यही कहलाएगा मॉडल डायलॉग बॉक्स। ठीक, समझ में आ गया आपको। और मॉडल डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या है, डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा फिर भी आप एक्सेस कर सकते हैं दूसरे डायलॉग बॉक्स को, जैसे मैंने शो करा, तो ये मॉडलेस डायलॉग बॉक्स बनेगा। ये देखिए बना, अब मैं इसको फिर से क्लिक कर सकता हूँ, तो ये देखिए, लेकिन अभी ये खुलेगा नहीं, दोबारा नहीं खुलेगा। दोबारा क्यों नहीं खुल जा रहा है, उसका कारण है, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक, चलिए जी, तो बंद किया मैं इसको, इसको भी बंद कर दिया, मैं शो डायलॉग कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा जी, ये देखिए, मैं पिछला वाला नहीं खोल पा रहा। ठीक, वहां पे दूसरा डायलॉग बॉक्स नहीं खुल रहा था ना, खोलना है तो आप क्या करेंगे जी, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे, डीम ए स्टूडेंट एज न्यू, एड न्यू स्टूडेंट ऐसे, और फिर ये स्टूडेंट जो है ना, इस स्टूडेंट के ऊपर कॉल कर देंगे ऐसे, तब क्या होगा जी, नया नया खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब तो इसको हमें शो डायलॉग करना पड़ेगा ताकि हम बटन पर क्लिक कर पाए। ठीक है, अब आप देखिए खुल गया ना ये, फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो दूसरा खुल गया जी, एक खुल गया अलग, एक खुल गया अलग, तो इस तरह से आप खोल लेंगे कई सारा, जब जब मैं क्लिक करूँगा ये खुलता ही जाएगा। ठीक है जी, तो ये चाहिए तो आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं यही टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा पर अभी नहीं, आगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया जी कि कैसे होगा, आ गया ना। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं कि ऐड न्यू स्टूडेंट में कुछ हम डिजाइनिंग करते हैं, कुछ कंट्रोल्स ऐड करते हैं, तो क्या क्या कंट्रोल हम ऐड कर दें, हमको एक ठो फोटो चाहिए, पिक्चर बॉक्स तक चाहिए, ताकि आप कंट्रोल्स फोटो हम स्टूडेंट का सेव कर सकें। भाई पासपोर्ट फोटो भी तो एडमिशन के समय लगता है ना, नहीं लगता है, लगता है ना भाई, ये लीजिए जी, मैंने ये एक फ़ोटो के लिए बॉक्स, पिक्चर बॉक्स लगा दिया, इसका मैं बॉर्डर स्टाइल अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, कहे नहीं दे रहा हूँ, आपको थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा। एक और कंट्रोल लेता हूँ, टूल स्ट्रिप्ट ले लेता हूँ, एक टूल स्ट्रिप्ट कहाँ है, ये वाला है, ठीक है, कहाँ हो गया, ये है, क्या हो गया भाई इसको, टूल स्ट्रिप्ट ये वाला है, सेट हो गया जी। यहाँ पे आता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव स्टूडेंट। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी में मैं जाता हूँ और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ यह सेव, सेव कर दूंगा जी, इसमें सेव का आइकन लगा दूँ क्या, डिस्प्ले स्टाइल को क्या कर दूंगा मैं, टेक्स्ट एन इमेज, सेट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ सेव का कोई आइकन है क्या, ये वाला है ना, इसी को लगा दूँ जी, लगा देता हूँ अभी, आइकन तो खैर ये मुझे पसंद नहीं है पर अभी मैं लगा दे रहा हूँ, ये हो गया। फिर यहाँ पे आता हूँ, सेपरेटर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक और बटन लेता हूँ जो कि क्या काम करेगा, प्रिंटिंग वगैरह का काम करेगा जी, प्रिंटिंग कर देंगे हम, यहाँ पे प्रिंटर वगैरह है ना, क्या बात है यार, प्रिंटर भी है, तो प्रिंटर भी ले लिया जी, ये प्रिंट कर देगा स्टूडेंट को। डिस्प्ले में टेक्स्ट एंड इमेज दोनों लेता हूँ। टूल स्ट्रिप्ट में मैं क्या कर दूंगा जी, प्रॉपर्टी में इसका आऊंगा और इसका नाम चेंज करके कर दूंगा PRINT, प्रिंट, नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बदल रहा हूँ, नाम चेंज करूंगा तो यहाँ पे बदलाव आ जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं ऐड करूँगा। ठीक, अब इसको मैं रन करूँगा तो आप देखिएगा कैसा होगा।
ये देख लीजिए जी, ऐसा आ गया। ठीक है, इसको क्लोज मैं कर देता हूं। अब मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स का जरूरत होगा, तो यहां से मैंने ले लिया जी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ऐसे कुछ लेबल का भी मुझे जरूरत होगा, मैं लेबल भी ले लेता हूं जी। लेबल कने है, मिल जाए भाई लेबल। ये देख लीजिए जी, ये लीजिए, इसका मैं प्रॉपर्टी अभी कुछ नहीं करूंगा। इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको दोबारा इधर लाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसको थोड़ा छोटा मैं कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं इधर ले लाता हूँ जी, फॉर्म को इधर से चौड़ा कर देता हूँ। ठीक, इसको खींच के ले लाया इधर। ठीक, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको पकड़ के नीचे ले लाता हूँ जी मैं, और इसको और नीचे ले लाऊंगा। ठीक है, इसको और नीचे ले लाता हूँ जी। ठीक, और मैं अब क्या करूँगा जी, लेबल वगैरह का टेक्स्ट मैं बदल दूंगा ना। बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, बदल देना चाहिए। चलिए जी, बदल के रख देते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मुझे पिक्चर बॉक्स और चाहिए। वो पिक्चर बॉक्स क्यों चाहिए मैं बताता हूं थोड़ी देर में आपको, यहां के लिए ये लीजिए। ठीक, यहां पे ले लाया, दूसरा पिक्चर बॉक्स यहां पे ले लाया। ठीक, इन दोनों में मैं फोटो सेट कर देता हूं। क्या कौन सा फोटो सेट करूंगा जी, चॉइस इमेज इंपोर्ट करते हैं, ये वाला फोटो। ओके, आ गया, यहाँ पे आता हूँ जी, इस पे आता हूँ, चॉइस करता हूँ मैं इमेज, लोकल रिसोर्स से इंपोर्ट कर लेंगे जी हम, कैंसल का। ठीक, ये हो जाएगा जी। ठीक, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ जी, सेंटर में ले लाता हूँ। चलिए जी, इतना काफ़ी है ये। इसका नाम बदल के मैं क्या कर दूँ जी, फर्स्ट नेम। ठीक, इसका नाम बदल के मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम, एफ या नेम, एफ नेम कर दिया। ओ, नेम ने मैं नहीं बदल सकता ना, मैं मतलब स्पेस नहीं दे सकता नेम में, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मेरे को लिखना चाहिए एप यानी अमी। ठीक, टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम बदल देता हूं मैं, ताकि मेरे को डेटाबेस में, या ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदल के मैं कर देता हूं एप यानी अमी। ठीक, इसका भी नाम मैं बदलता हूं जी, इसका नाम क्या कर दूंगा, एल नेम। ये तो लेबल है यार, लेबल का मुझे खाली टेक्स्ट बदलने से ज़रूरत है। ठीक, एल यानी अमी, लास्ट नेम हो गया जी। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदलता हूँ मैं, और इसका नाम लिख देता हूँ एल नेम। ठीक, इसका लेबल का नाम बदल देता हूँ, लेबल का नाम क्या बदल के कर दूँगा जी मैं, फादर नेम। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो बड़ा हो गया यार। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम मैं बदल देता हूँ, और इसको कर देता हूँ फादर नेम। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। इस लेबल का मैं नाम बदलता हूँ, और क्या कर दूंगा जी, मदर नेम।
लेबल का नाम मेरे को नहीं बदलना है यार, लेबल का तो खाली मेरे को टेक्स्ट बॉक्स बदलने से मतलब है। क्या मैं कॉपी किया था, क्या पेस्ट हो गया, मदर नेम कर दिया जी। ठीक है, और मैं क्या कर दूं जी, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी बदल देता हूं मैं नाम, और इसका कर देता हूं मदर नेम, ठीक, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, और मुझे क्या लेना चाहिए जी बताओगे आप लोग, वो भी ले लें, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ। इस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को मैं डिलीट मारता हूँ, और लेबल को मैं रिनेम करके क्या कर देता हूँ, डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, और डेट ऑफ बर्थ के लिए इधर से मैं क्या कर ले लूँगा, डेट टाइम पिकर, ठीक है, डेट टाइम कंट्रोल लूँगा इधर से, ये मैंने आपको नहीं बताया, अभी बता दूंगा, इसको कर देंगे जी हम छोटा, ठीक है, और ये जो है कि स्टूडेंट एडमिशन कब लिया, डेट ऑफ एडमिशन हो जाएगा, डेट ऑफ एडमिशन डी ओ ए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जी, डेट ऑफ एडमिशन ले लेंगे, कंट्रोल दबा के मैंने इधर इसको खींच लिया जी, ठीक है, इस कंट्रोल का क्या नाम मैं कर दूंगा, डेट ऑफ बर्थ, और इस कंट्रोल का भी नाम मैं कर दूंगा डेट ऑफ एडमिशन डी ओ ए, ठीक, किस क्लास में वो पढ़ता है, ठीक, क्लास भी लिखना पड़े, लेना पड़ेगा ना हमें, नहीं लेना पड़ेगा, क्लास भी ले लेते हैं जी, हाँ ले लें क्लास, यहाँ पे आता हूँ और मैं ले लेता हूँ, क्या मैं क्लास बोला ना जी, हाँ क्लास बोला तो क्लास ले लूँगा, किस क्लास में पढ़ता है, इसका नेम में मैं क्लास भी नहीं दे सकता जी, मैं इसमें आकर के क्लास दूंगा, किस क्लास में पढ़ता है, बटन ये टेक्स्ट बॉक्स में आया, और टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका क्या कर दूंगा मैं नाम, सी ओ यू आर ए सी, क्लास में दे नहीं सकता, ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या लेना चाहिए जी, जेंडर लेते हैं, ठीक है, इसको खींच के ले लाया इधर, और इसका नाम, इस लेबल का मैं टेक्स्ट बॉक्स बदल देता हूँ जी, ठीक है, और क्या लिख दूँ, टूल बॉक्स, यहाँ पे आता हूँ और ले लेता हूँ जी मैं पहले एक ग्रुप बॉक्स, ठीक है, इसको करना पड़ेगा आपको छोटा, फिर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, इस जेंडर लेबल को मैं गायब कर देता हूँ, इसका तो जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है, और एक क्लास जहाँ पे मैं लिया हूँ ना टेक्स्ट बॉक्स, इसको डिलीट मार दूंगा मैं, ठीक है, और रेडियो बटन किधर है यार, ये रेडियो बटन यहाँ पे ले लाया, ठीक है, ऐसे एक रेडियो बटन इसके बगल में ले लाया, अब क्या करना चाहिए जी मुझे, क्लास में मैं क्या करूँगा जी, कॉम्बो बॉक्स लूँगा, कॉम्बो बॉक्स किधर है, सी वाले में होगा, ये है जी कॉम्बो बॉक्स, यहाँ से मैं क्लास उठा लूँगा,
कॉम्बो बॉक्स का नेम मैं बदलता हूँ, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स क्लास मैं लिखता हूँ इसका नेम, ठीक। ये रेडियो बटन है, इसका राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी में और रेडियो बटन में क्या लिख देता हूँ, मैं मेल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाम बदल के मेल कर दिया और टेक्स्ट भी मैं बदल के मेल कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा जी मैं ईमेल, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी मैं बदल दूंगा जी, ठीक है। कहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंटर कर दिया तो ये हो गया जी, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक मिनट का टाइम देना यार, ये कॉल आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ जी, और लेबल इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल दबा के खींच लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें क्या लिख दूंगा जी मैं, हिंदी या इंग्लिश किस मीडियम से पढ़ता है बंदा, ठीक है, या छोड़ दूँ मैं मीडियम को ना लूँ, नहीं लेता हूँ मैं मीडियम, रहने दो, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक। तो एक मिनट रुकिएगा, प्रोग्राम में रन कर देता हूँ, ठीक है। ऐड स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, बड़ा किया तो ऐसा है अभी, ठीक है। इसका बाकी का काम हम लोग कल से शुरू करते हैं अब, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ करंट, हाँ भाई सेव कर दो। अच्छा नया प्रोजेक्ट था ना, चलिए डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव कर दिया।